धर्म के अनुसार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली मनाई जाती है। इस पर्व के दिन लोग अपने घरों को दियो, मोमबत्ती और बिजली वाली टिमटिमाती वाली लाइट से जलाते हैं। बच्चे बड़े सभी पटाखे जलाकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली का पर्व कुल 5 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली 5 पर्वों यानी धनतेरस, नरक चतुर्दशी, महालक्ष्मी पूजन, धनतेरस और भाई दूज का संगम है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का आरंभ धनतेरस के अगले दिन से होता है। ये 5 त्योहार अलग अलग युग से संबंध रखते हैं। पुराणों के अनुसार धनतेरस, दिवाली और भाई दूज का संगम सतयुग से है। वहीं गोवर्धन पूजा और नरक चतुर्दशी का रिश्ता द्वापर युग से है। ऐसा कहा जाता है कि भले ही ये त्योहार अलग अलग युगों से संबंध रखते हों, लेकिन तिथियां आसपास होने के कारण इन्हें एक साथ यानी 5 दिनों तक मनाया जाता है। आज इस वीडियो में आपको 5 पर्वों से जुड़ी कहानियां बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा सागर। शास्त्रों के अनुसार देवताओं को राजा बलि के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया। शुक्राचार्य ने राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे तो उन्हें इनकार कर देना। इसके बाद भी राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और उन्होंने वामन से दान मांगने को कहा। इस बात को सुनकर भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांग ली। भगवान वामन के मांगने पर राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का प्रण लिया। तब भगवान वामन ने अपने मात्र 1 पैर से संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया और अगले पग में अंतरिक्ष को 3रा पग रखने के लिए आगे कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब राजा बलि ने वामन भगवान को 3रा पग रखने के लिए अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। इस तरह से राजा बलि और सभी देवी देवता बलि के प्रकोप से भयमुक्त हो गए। इसके साथ ही देवताओं से छीनी गई धन संपत्ति से कई गुना संपत्ति उन्हें वापस भी मिल गई। तभी से इस दिन को धनतेरस के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी पर्व को मुक्ति पाने का त्योहार भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इस दिन पूजा करने से नरक निवारण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए लोग इस दिन अपने घरों में यमराज की पूजा कर विनती करते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को नरक ना मिले। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वहीं त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। गोवर्धन पूजा का नाता भगवान श्री कृष्ण से है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत द्वापर युग से ही हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा था कि इंद्र की पूजा करने से लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आप सभी को गोधन को समर्पित गोवर्धन पर्वत पर जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर लोग गोवर्धन पूजा करने लगे। इस बात से नाराज होकर इंद्रदेव ने भारी बारिश की, जिससे डरकर लोग दोबारा से उनकी पूजा करने लगे। घनघोर बारिश के कारण हर जगह बाढ़ आ गई। इससे बचने के लिए लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया। लगातार कई दिनों तक भारी बारिश चलती रही, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप लिया है और तुम उनसे लड़ रहे हो। इस बात को जानकर इंद्र को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इस बात के खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर हर साल गोवर्धन पूजा करने की आज्ञा दी। तब से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा को मनाया जाता है। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन खुश रहने वाला व्यक्ति पूरे साल खुश रहता है। गोवर्धन पूजा हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। भाई दूज मनाने के पीछे की कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की 2 संतानें यमराज और यमुना थे। छाया की पुत्री यमुना यमराज से निवेदन करती हैं कि यमराज छाया के घर पर आकर भोजन करें, लेकिन व्यस्त रहने के कारण यमराज यमुना की बात पर अमल नहीं कर पाते। एक बार जब दोबारा से कार्तिक शुक्ल का दिन आया, तब यमुना ने फिर से यमराज को खाने पर आमंत्रित किया। इस आमंत्रण पर यमराज बहन यमुना के घर खाना खाने गए। तब यमुना ने यमराज से एक वचन मांगा और कहा कि आप हर साल मेरे घर खाना खाने आएंगे। इस बात को स्वीकारते हुए यमराज ने भी हामी भरी। ऐसा कहा जाता है कि तब से हर साल इस दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। द वोकल न्यूज की टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।